रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि सर्दियों का मौसम है तो आज मैं आपको जो रेसिपी दे रही हूँ वो सर्दियों की मुनासबत से है। इसके लिए ये मैंने 2 किलो गाजरें ली हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से छील ली है। छीलने के बाद इसको मैंने धो लिया है। धोने के बाद अगला स्टेप इसका ये है कि हम इसको कश कर लेते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत सख्त सर्दी है। और वैसे भी मैं आपको वही तरीके बताती हूँ जो कि बहुत ही आसान हो। तो इसके लिए मैंने गाजरों को कश नहीं किया है, बल्कि उसके मैं छोटे छोटे टुकड़े काट लेती हूँ। ये 2 किलो गाजरें थी, इन सबको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। और इसको मैंने अभी इसके नीचे फ्लेम जला ली है। इसमें मैं अब शामिल करूंगी 2 गिलास दूध के। ये गाजर के हलवे की मैं आपको बहुत ही आसान रेसिपी दे रही हूँ और बहुत जल्दी बन जाने वाली। अच्छा, 2 गिलास दूध के साथ ये मैंने 1 कप इसमें चीनी का भी डाल दिया है। हम चूंकि मीठा कम खाते हैं इसलिए मैंने 1 कप डाला है। वैसे अगर आप मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप 1.5 कप भी डाल सकते हैं। इसको अब मैंने ये ढक के रख दिया है। इसकी फ्लेम मीडियम होनी चाहिए, बहुत लो फ्लेम पे ये नहीं रखना। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक इसको मैंने इसी तरह मीडियम फ्लेम पे छोड़ दिया था। तो इसमें मैंने जो दूध शामिल किया था वो सारा इसमें खुश्क हो गया है, और इसके अलावा ये गाजरें भी नरम हो गई। अब हम इसको इसी चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसको मसल देंगे ताकि इसके और भी छोटे छोटे पीसीस बन जाएं। इसमें थोड़ी थोड़ी देर बाद हमने चम्मच लगाना है ताकि इसमें मौजूद पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। ये इसके लिए मैंने 1/2 कप घी गरम किए, वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ताकि हमें भूनने में आसानी हो। इसको हमने उस वक्त तक भूनते रहना है ताकि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये गाजर का हलवा भी अच्छी तरह से फ्राई हो। ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। ये मैंने 2 अंडे बॉईल करने के लिए रखे हैं, ये बॉईल हो जाएंगे तो इसे भी मैं इस गाजर के हलवे में शामिल कर दूंगी। जितना है इसको हम भूनेंगे और इसका पानी बिल्कुल खुश्क होगा उतना ही ये हलवा लजीज होगा।
इस टाइम पे आके आप इसमें पिस्ता बादाम और काजू भी डाल सकते हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी क्योंकि ये तैयार हो चुका है। ये नाज़रीन आज की रेसिपी हमारी बिल्कुल तैयार है, गाजर का हलवा। इसमें मैंने बॉईल किए हुए अंडे डाल दिए हैं और साथ में मैंने खोया डाल दिया है। बहुत ही मज़े का बना है और बहुत ही आसान रेसिपी है। नाज़रीन अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। खुश रहें, आबाद रहें, अपनी दुआओं में हमें हमेशा याद रखें।